नौ क्वेश्चन कर रहे हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम उनके महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ के कितना गुना है? 56 गुना है, 56 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग यहाँ पर 17 से 10 दिया गया है। ये दोनों संख्याओं में से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम एलसीएम को क्या मान लेते हैं? एलसीएम को मान लेते हैं, सॉरी एचसीएफ को मान लेते हैं एक्स, और एलसीएम कितना हो जाएगा? 56 गुना है तो 56x हो जाएगा। अब इनका योग हमारा कितना दिया गया है? 17 से 10 दिया गया है। 56x + x बराबर 17 से 10 हमको योग दिया गया है। 57x = कितना हो जाएगा? 17 से 10, और x की वैल्यू कितना जाएगी यहाँ से? तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कट जाएगा कितने बार में? ये कट जाएगा आपका 3 बार में, चाहिए 17 21 15 2 17 30 बार में। एक्स की वैल्यू कितना आ गई? 30 आ गई। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि एक्स की वैल्यू आ गई यानी कि एचसीएफ आ गया इतना, तो हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम यहाँ से कितना जाएगा? एलसीएम आएगा 56 गुना 30, तो ये हो जाएगा कितना? 18 15 15 1 16, 1680 जो है एलसीएम आ जाएगा। अब हमसे बोला गया कि एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो इसके लिए क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी कि 1680 * 30 बटा में पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमको दिया गया है 240 है, दूसरी संख्या हमको निकालना है ठीक है। दूसरी संख्या को एक्स मान लेते हैं, दूसरी संख्या हमको यहाँ पर निकालना है। 0 से 0 खत्म, 3 से 1 कितना बार हो जाएगा? 8 से, और 8 से 1 कितना बार हो जाएगा? 2 1 0 यानी कि 210। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दूसरी संख्या कौन सी होगी? 210 होगी। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।